हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं हेल्दी वेज ऑफ लिविंग। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में एक महामारी फैला रखी है और इसी महामारी के वजह से काफ़ी सारे लोगों की जान भी चली गई है और अभी भी काफ़ी सारे लोग इस बीमारी से इस वायरस से होने वाली बीमारी से जूझ रहे हैं। और इंडिया में भी ये बीमारी अभी 1600 से ऊपर है और इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार ने 24 मार्च 2020 से 21 डेज का लॉकडाउन दिया है। इस लॉकडाउन का मतलब ये है कि हम सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हर एक फैमिली अपने अपने घर के अंदर रहेंगे और ताकि ये बीमारी पूरी कम्युनिटी में ना फैले। और इसमें आप एक ही कंडीशन में बाहर जा सकते हैं, आपको किसी तरह का कोई भी इमरजेंसी हो, जैसे कि आपको ग्रॉसरी लाने जाना हो या फिर आप बैंक में जाते हैं, तो इस तरह के इमरजेंसी के अलावा आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। इस चीज़ को हम सबको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि जितना हम लोग इस लॉकडाउन को सपोर्ट करेंगे, जितना इस लॉकडाउन को हम मान के चलेंगे, उतनी ही जल्दी हम कोरोना वायरस और कोविड-19 से छुटकारा पा सकते हैं। कुछ इमरजेंसी सर्विसेज ऐसे हैं जिन लोगों को इस लॉकडाउन के टाइम पे बाहर जाना अलाउ है, जैसे कि हमारे पुलिस फोर्स या फिर हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्स, कंपाउंडर्स, ये लोग, और जो लोग बाकी जैसे कि फूड सप्लाई जैसे एसेंशियल सर्विसेज के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ही सिर्फ इस लॉकडाउन में बाहर जाना अलाउ है। लॉकडाउन के वजह से लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, बिकॉज इस लॉकडाउन के वजह से लोगों के मन में ये एक शंका आ रही है, जैसे USA में या फिर इटली जैसे देशों में 3 या 4 महीने के लिए लॉकडाउन दे दिया गया है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे लॉकडाउन दे देंगे तो हम लोग क्या खाएंगे या फिर हमारे जो काम है उसका क्या होगा, इस तरह से लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप ज़्यादा पैनिक मत होइए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा लॉकडाउन को मानेंगे, उसे सपोर्ट करेंगे, उस बीमारी को हम दूर कर पाएंगे। तो बहुत लोगों का ये भी मानना है कि हमें अंदर बंद कर दिया गया है या फिर हम बाहर नहीं जा सकते, इस तरह की बातें आप मत सोचिए। ये सोचिए कि आप इस बीमारी को अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर भगा रहे हैं, तो कि आपको इसे पॉजिटिवली लेना है। इस तरह से हर कोई सोचेगा, हम ये पूरा पीरियड बहुत ज़्यादा इजीली इसे पार कर पाएंगे। तो जितना ज़्यादा जल्दी हम लॉकडाउन को ज़्यादा से ज़्यादा मानेंगे, उतनी ही जल्दी ये बीमारी हमारे बीच में से चला जाएगा। तो लॉकडाउन का एक हफ्ता तो चला गया है और 10-15 दिन है, वो भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से निकाल देंगे। तो जब भी आप शॉपिंग पे जाए, कुछ पॉइंट्स को आप ज़रूर याद रखिए ताकि आपको बार बार घर से बाहर ना जाना पड़े। मैं इस वीडियो के ज़रिए वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप ग्रॉसरी शॉपिंग को कैसे करें और एक प्रॉपर मील उन्हीं सब चीज़ों से, क्योंकि आपको बार बार सब्ज़ी या फिर फल या चिकन फिश लाने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, और जो आपके पास है उसी से आप एक बैलेंस डाइट कैसे ले पाए, तो आज का वीडियो उसी पर आधारित है। तो कुछ पॉइंट्स का आप ज़रूर ध्यान रखिए ग्रॉसरी शॉपिंग पे जाने से पहले। सबसे पहला पॉइंट है, आप एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। हालांकि मैं वीडियो के आखिर में आपको दिखा दूंगी कि किस तरह की चीज़ें आप घर पे लाके रख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, एक लिस्ट बना लीजिए कि लिस्ट आपके जो खान पान है, जैसे फूड हैबिट है, उसी को ध्यान में रखते हुए आप इसे बनाइए, इस लिस्ट को बनाइए।
नंबर टू है बल्क बाय मत कीजिए, मतलब कि अपने घर को स्टोर रूम बनाना बंद कीजिए। जितना सामान आपकी ज़रूरत है उतना ही सामान आप खरीद के लाइए। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, 4-5 महीने का सामान एक साथ घर पे ला के रख रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। बाकी लोगों के बारे में भी आप थोड़ा सा सोचना शुरू कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जितना हो सके इन दिनों आप न्यूट्रिशियस फूड लेने की कोशिश करें, इस मतलब कि एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करें। हेल्दी बैलेंस डाइट का मतलब है जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कर्ब्स, मिनरल्स, फाइबर्स या एंड प्रोबायोटिक, वो सब कुछ शामिल हो, इस तरह का मील लेने की कोशिश करें। वीडियो के आखिर में मैं कुछ आइडियाज़ आपको दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस तरह के ग्रॉसरी आइटम्स खरीदें जो आइटम्स आप ज़्यादा दिनों तक स्टोर कर सके, मतलब कि जो ड्राई ग्रॉसरी आइटम्स है, और जो सब्जियां जल्दी ख़राब नहीं होती है, उस तरह की सब्जियां या फिर फल आप खरीद के लाइए। से आपको बार बार घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जब आप मार्केटिंग पे जाए सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने की कोशिश करें। जहाँ पे जनरली भीड़ जहाँ पे होती है, जैसे कि फिश मार्केट पे या फिर जो सब्जी मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो उन जगहों पे जाने से आप बचिए। और पर्सनल हाइजीन का पूरा ख्याल रखिए, एक सैनिटाइजर, एक मास्क आप अपने साथ लेके चलिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जितना हो सके डिजिटल पेमेंट करने की कोशिश कीजिए। डिजिटल पेमेंट मतलब कि आप ऑनलाइन पेमेंट करने की कोशिश करें जहाँ पे मुमकिन हो, क्योंकि पैसा यानी कि जो नोट्स होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग लोगों के टच में आते हैं। तो इसीलिए जहाँ पे हो सके जितना हो सके पेटीएम पे, फ़ोन पे या फिर क्रेडिट कार्ड से पे करने की कोशिश करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को भी आप सैनिटाइजर लगा के थोड़ा सा साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जितना हो सके रेडीमेड इंस्टेंट या फिर फ्रोजन आइटम्स से बचने की कोशिश करिए इन दिनों, बिकॉज इन सब में बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव होती है, और इस टाइम पे आपको एक हेल्दी फूड, एक हेल्दी डाइट लेना है। तो कोशिश कीजिए कि इन सब चीज़ों को अपने घर पे ना लाए। कभी कभी क्या होता है, जब हम इस रेडीमेड या फिर फ्रोजन चीज़ों को फ्राई करते हैं या फिर कुक करते हैं, कुछ पार्ट बीच में से अनकुक रह जाता है, तो कोशिश करें कि इन सब से बचें। एंड सबसे लास्ट पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब भी आप ग्रॉसरी शॉपिंग से घर आए तो जो आइटम्स आप अपने साथ लाए हैं, कोशिश कीजिए कि उसे किसी आइसोलेटेड जगह पे जहाँ और का हाथ ना जाए, ऐसी जगहों पे 1 या 2 दिन रख दीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस 9 से 12 घंटे तक किसी लाइफलेस चीज़ पे सर्वाइव कर सकती है। एंड अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ आप लाए हैं, जैसे कि दूध का पैकेट है, तो उसे पहले थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड में डिप करके उसे साफ पानी से धो के उसका पानी पूरा झड़ने दीजिए। एंड उसके बाद उसे तुरंत ही गर्म करने की कोशिश करें, या फिर तुरंत ही आप खाने वाली चीज़ है तो ऐसी चीज़ों को आप जल्दी से इस तरह से आप साफ कर लें। तो यही थे कुछ पॉइंट्स जो आपको ग्रॉसरी शॉपिंग पे जाना हो तो इस तरह के पॉइंट्स आप हमेशा याद रखिए। अब मैं कुछ आइडियाज़ देती हूँ कि किस तरह के ग्रॉसरी आप अपने साथ रख सकते हैं और उससे क्या आपको फ़ायदा होगा। इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं मेरे नए वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें आप हमें ज़्यादा दिनों तक स्टोर कर सकते हैं और
इससे एक प्रॉपर डाइट कैसे ले सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे घर में जो चीज़ें चलती है आपके घर में भी वो रहे, ये ज़रूरी नहीं है। आप अपने जो फूड हैबिट है उसी हिसाब से आप शॉपिंग करें। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि चीज़ों में किस तरह के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। दो चीज़ों को आप अपने ग्रॉसरी लिस्ट में ज़रूर ऐड कीजिए, राइस और आटा। राइस और आटा ये दोनों ही आपको बहुत ज़्यादा फाइबर देती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और आपको एनर्जी भी बहुत ज़्यादा देती है। दूसरा है दाल। दाल में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होती है, तो इसे भी अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। ऑयल एंड फैट्स हमारे इंडियन कुकिंग का एक हिस्सा है, तो जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हैं उसे भी पहले से ला के रख दीजिए, और साथ में हो सके तो एक काऊ घी भी ले आइए। सॉल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, और ख़ास करके टर्मरिक इन दिनों ज़रूर अपने खाने में ऐड कीजिए। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए आप सोया चंक्स का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप नॉन वेज है तो एग्स लीजिए। इस तरह के ब्रेकफास्ट सीरियल्स जैसे कि ओट्स या कॉर्नफ्लेक्स आप अपने खाने में ऐड कर सकते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको फाइबर मिलेगी। या अगर आप इंडियन ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो सूजी, राइस पाउडर, मैदा, पफ राइस, पोहा, बेसन, इन सब का भी यूज़ कर सकते हैं। पल्सेस इन दिनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ख़ास करके अगर आपको वेजिटेबल्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में मिनरल्स होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, और भी काफ़ी सारे विटामिन्स भी इसमें अवेलेबल है। पटेटोज, अनियंस, जिंजर एंड गार्लिक अपने ग्रॉसरी लिस्ट में ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि जिंजर और गार्लिक काफ़ी अच्छे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें, और हो सके तो ऐसी सब्जियों को घर में ला के रखें जिन सब्जियों को ज़्यादा दिनों तक आप स्टोर कर पाए, और लेमन को अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। इफ़ यू आर ए टी लवर तो टी, शुगर एंड मिल्क पाउडर इन्हें अपने ग्रॉसरी लिस्ट में ज़रूर ऐड करें, और कॉफ़ी पसंद है तो कॉफ़ी को भी ऐड करें। पंचफोरन, जीरा, धनिया जैसे होल स्पाइसेस को अपने घर में इन दिनों ज़रूर ला के रखें, और इस तरह से आप चिली को कम 15 डेज तक स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, एयरटाइट कंटेनर में, और पनीर को भी आप एक हफ्ते तक इस तरह से स्टोर कर सकते हैं पानी के साथ फ्रिज में। इन दिनों आपको ड्राई फ्रूट्स भी अच्छी मात्रा में लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको इन्हीं से पूरी जो विटामिन्स, मिनरल्स, इस तरह की चीज़ें मिलेगी। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे वाले ही ले, आप पीनट्स, सेसमी सीड्स या डेसिकेटेड कोकोनट भी इन दिनों यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए इस तरह से बटर या कुछ चॉकलेट्स आप घर में ज़रूर रखिए, कुछ बिस्किट्स के पैकेट्स भी आप घर में रखिए। और सुनने में ये थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन हम आसाम के लोग इस तरह से अपने घर में मछली को स्टोर करके रखते हैं। हम इस तरह से लेमन को सॉल्ट में प्रिजर्व करके रखते हैं, ये एक डिटॉक्स की तरह काम करते हैं, कई सारे पेट की परेशानियों को भी ये दूर करता है। इन दिनों दूध को अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे। ख़ास करके दूध को टर्मरिक के साथ लेने की कोशिश करें, और इससे बिल्कुल ही बाय बाय कर दीजिए। तो यही थे कुछ पॉइंट्स, इससे मान के चलने से आपकी ये जो पूरा लॉकडाउन पीरियड है बहुत ही ज़्यादा आसानी से, बहुत ही इजीली निकल जाएगी।
तो कोशिश करें कि इन पॉइंट्स को आप याद रखें, और हो सके तो ग्रॉसरी या फिर खाने पीने के सामान के साथ ही आप एक ही दिन में मेडिसिन वगैरह है या फिर जो और कुछ अगर क्लीनिंग सप्लाइज, इन सब को भी अपने साथ ही उसी दिन लेके आइए अगर आपको ज़रूरत है तो, क्योंकि तब ताकि आपको बार बार घर से बाहर ना जाना पड़े। और हो सके तो आपके पास अगर हो तो इलेक्ट्रॉनिक जो कुकिंग अप्लायंसेस है उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करें इन दिनों, ताकि बार बार आपको गैस सिलेंडर लाने के लिए बाहर ना जाना पड़े। तो ये समय थोड़ा सा मुश्किल है, बट हमें एक चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इस बीमारी को अपने देश से, अपनी कम्युनिटी से दूर भगाना है। तो आशा करती हूँ कि हमारा ये लॉकडाउन सफल हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही में कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा कि आप किस तरह से अपने ग्रोसरी की मार्केटिंग कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाय फॉर टुडे। जॉय आई एफ होम।